यूनिट 5 चैप्टर 11 सिमिलरिटी ज्योमेट्रिकल शेप। प्रमेय 2, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा की समांतर होती है। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम। हल ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है और एक तीसरी रेखा पी क्यू डेस पहला दिया है। ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। सिद्ध करना है पी क्यू समांतर पी क्यू समांतर बी सी। रचना पी क्यू त्रिभुज ए बी सी में तीसरी भुजा पी क्यू डैश खींची गई है। उत्पत्ति, यदि पी क्यू और बी सी के समांतर नहीं है, यदि पी क्यू भुजा बी सी के समांतर नहीं है तो बी सी के समांतर कोई दूसरी रेखा होगी। माना पी क्यू डैश वह रेखा है जो बी सी के समांतर है। ए पी बाई पी बी इजक्वल टू ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से समीकरण। परंतु ए पी बाई पी बी इजक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी समीकरण 2, एक और दो से ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी समीकरण क्रमांक 3, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ए क्यू डैश बाई क्यू डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी प्लस 1 ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी बाई क्यू डैश सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी बाई क्यू सी। चूंकि ए सी बाई क्यू डैश सी इज इक्वल टू ए सी बाई क्यू सी, ए सी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई क्यू डैश सी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू सी, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डैश सी। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब क्यू एवं क्यू डैश एक ही बिंदु पर हो। इसलिए पी क्यू समांतर बी सी। हैंस प्रॉफ एग्जाम्पल, यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ए बी सी बी सी के समांतर रेखा डी खींचा गया है, दिया है डी समांतर बी सी। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, अर्थात डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर डी बी बाई ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई प्लस 1 डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई बाई ए ई, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। अतः ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी।